फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान के ऐसे 25 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं जो आपके 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 100% आने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में 70 में 70 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये पहले नंबर का सवाल है। पहला सवाल फ्रेंड्स देखिए आपका क्या है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न का आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपको पहले से आ रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो प्रश्न था कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ऑप्शन है आपका 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1920 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे तो वो आपका लौटे थे 1915 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में भी ये प्रश्न रिपीट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, जिसका ऑप्शन आपके सामने है चंपारण में या बारदोली, अहमदाबाद या खेड़ा। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे तो पहला अपना सत्याग्रह जो किया था चंपारण में किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, आपका तीसरा नंबर का सवाल जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। देखिए फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान से पढ़ें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपका इसमें ऑप्शन है 1920 में, 1929, 1930 या 1924। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला होगा, 1930 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया था, तो 1930 में किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल आपका है कि देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी आपके आंदोलन किए गए हैं तो वह आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% हर साल पूछता है। फ्रेंड्स, आप महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए सब आंदोलन को आप जरूर याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, आपका अगला प्रश्न था कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। ऑप्शन है पोरबंदर, दूसरा है डांडी, वर्धा या चंपारण। तो फ्रेंड्स देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ किया था आपका डांडी से प्रारंभ किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डांडी होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। इसको इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड में 2024 के पेपर में 100% ये सवाल आने वाला है। ये देखिए क्या है फ्रेंड्स कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ऑप्शन है 1920, 1927, 1930 या 1935। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था कब चलाया गया था, तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब 1930 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, यह भी आपका VBI प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी आप VBI है। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए छठवां क्या है, करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या महात्मा गांधी जी। देखिए फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा जो दिए थे आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने सातवां नंबर का सवाल है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रेंड्स जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, आपको पता होगा कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो पहला ऑप्शन है रोलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, या खिलाफत आंदोलन, या चौरी चौरा का हत्याकांड था। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण माना जाता है वह रोलेट एक्ट था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है आपका आठवां नंबर का कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। आपको बताना है कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। तो इसका ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, बर्मा या फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अफीम चीन से निर्यात किया जाता था, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने नौवां नंबर का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपकी बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और 2024 में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न 100% आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें और ध्यान से सुने। देखिए नौवा नंबर का आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। आपको अजैविक संसाधन बताना है। ऑप्शन है चट्टाने हैं, पशु हैं, पौधे हैं या मछलियां हैं। तो फ्रेंड्स जो कि देखिए आप क्या अजैविक संसाधन थी कौन सा है, चट्टाने। जो चट्टाने हैं एक अजैविक संसाधन है, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने दसवां नंबर का सवाल है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। देखिए मिट्टी से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न बनता है। यहाँ आपको बताना है कि जो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है उसका नाम क्या है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी होता है, या लैटराइट लाल मिट्टी, या लैटराइट मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी। तो फ्रेंड्स देखिए भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल है आपका कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है दक्कन के पत्थर में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार के रेगिस्तान में। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आपका लाल पीली जो मिट्टी पाई जाती है आपका दक्कन के पठार में पाया जाता है। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे दक्कन का पठार नहीं, मालवा के प्रदेश में पाया जाता है। जो मालवा वाला प्रदेश होता है वहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है बारहवां नंबर का कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो सुंदरवन, जो आपको पता होगा फ्रेंड्स सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, असम में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क होता है फ्रेंड्स आपका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक वन कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन है मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक वन जो होता है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने चौदह नंबर का सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स हरा आपको पता होगा कि हरा क्या होता है, तो आपको हरा होता है पेड़ पौधा, क्या होता है आपका हरा होता है। तो इसका मतलब पेड़ पौधा क्या कहते हैं, जब ज़्यादा पेड़ पौधा होता है उसे वन कहते हैं। तो हरा सोना किसे कह सकते हैं, तो हरा सोना वन संसाधन को कहेंगे। पेड़ पौधा क्या होता है, एक हरा सोना है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने पंद्रहवां नंबर का सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा जल होता है, यानी कि कौन सा जल आपका सर्वाधिक खारा होता है। खारा का मतलब उसमें नमक की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपका ऑप्शन है जो वर्षा का जल होता है उसमें, अधोभौमिक जल, या समुद्री जल, या नदी का जल। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो समुद्र का जल होता है उसमें नमक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा खारा जल कौन सा आपका, समुद्री जल है, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने 16वां नंबर का सवाल है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स आपका बोर्ड के एग्जाम में बांध से संबंधित हर साल प्रश्न आता है फ्रेंड्स, तो आपको बांध से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है महानदी, चिनाव, सतलुज या किश्रा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो सलाल बांध है आपका चिनाव नदी पर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 17वां नंबर का आपका सवाल है, देखिए क्या है फ्रेंड्स कि हीराकुंड बहुउद्देशीय जो परियोजना है किस राज्य में है फ्रेंड्स। देखिए हीराकुंड ये आपके लिए वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा कि हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन बिहार में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो फ्रेंड्स देखिए आप याद रखिएगा कि जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना आपका है तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य में है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 18वां नंबर का सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में गेहूं कहाँ पैदा होता है। ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स आप एक प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, जो आपका यूपी है ठीक है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपका गेहूं का मात्रा सर्वाधिक होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक मात्रा में पैदा होती है। ठीक है इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड जो होता है संबंधित है। तो ऑपरेशन जो फ्लड है किससे संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य पालन से। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो ऑपरेशन फ्लड होता है ना आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 20वां नंबर का सवाल आपका है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि चाय की खेती करना है किस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स जो चाय की खेती होता है आपको पता है असम उसम में सबसे अधिक मात्रा में होता है भारत में। देखिए फ्रेंड्स जो चाय की खेती होती है तो आपको देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में चाय उगाया जाता है। तो चाय की खेती कहाँ पे होगा सर्वाधिक मात्रा में, तो पर्वतीय मिट्टी में होता है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में यानी पर्वतीय मिट्टी में होता है, जिसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब अगले सवाल को देखते हैं 21 नंबर का। यह भी आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, शीशे का है, तांबे का है, एल्यूमिनियम का है या लोहे का। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो बॉक्साइट अयस्क है वो एल्यूमिनियम का है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। 22वां नंबर का आपका सवाल है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में तांबा कहाँ पे उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो सर्वाधिक तांबे का जो मात्रा उत्पादन होता है वह है राज्य आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में तांबा का उत्पादन होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका 23वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि आपको किससे ऊर्जा नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको जल से ऊर्जा मिलती है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलती है, कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन जो मैग्नीज होता है फ्रेंड्स इससे ऊर्जा आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मैग्नीज एक ऊर्जा संसाधन नहीं है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 24 नंबर का। देखिए क्या है 24 नंबर का कि भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है, यानी कि जो भारत होता है किस वस्तुओं का निर्यात करता है। ठीक है ऑप्शन है खनिज तेल का, दवाइयाँ, कपास या चाय। तो फ्रेंड्स देखिए भारत जो निर्यात करता है वह चाय का निर्यात करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखिए आप याद रखिएगा जो प्रथम क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या
देखिए द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, इससे भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, बोर्ड के एग्जाम में हर साल बनता रहता है। यहाँ पे क्या है, खनन होगा, विनिर्माण होगा, सूचना होगा या बैंकिंग होगा। तो फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आता है खनन आता है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको 25 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को कराए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और 2024 में होने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखें, और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।